अगर हमारे कंप्यूटर में रैम ना हो तो क्या होगा? चलो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके लिए मैं पहले अपने पीसी को ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये पीसी बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये पीसी ऑन हो गया है। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसमें गेम भी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। और अब हम कंप्यूटर को सेट डाउन करके इस सीपीयू में से रैम को निकाल के देखेंगे कि क्या होता है। मैं इसको सेट डाउन कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो ये अच्छी तरह सेट डाउन हो गया है। अब मैं इसको प्लग आउट कर देता हूँ और अब हम सीपीयू को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी डोंगल और यूएसबी और ब्लूटूथ अटैच कर रखे हैं। मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ। ये एक नट है, वो भी लूज है, शायद खुल जाएगा हाथ से। अच्छी तरह से खुल गया, आप देख सकते हो। इसको ऐसे कर देता हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि रैम कहाँ लगती है। आप देख सकते हो दोस्तों ये रैम है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको रैम का अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये रैम क्या करती है और रैम न होने पे क्या होता है। रैम की अच्छी तरह से वर्किंग बताऊंगा और देसी भाषा में बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको रैम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि रैम किस लिए यूज होती है हमारे सीपीयू में। मैं इसको निकाल लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो ये है रैम। दोस्तों इसे बोलते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैंने रैम को निकाल दिया। अब मैं इस सीपीयू को ऑन करके देखता हूँ कि अब क्या होता है, क्या ये सीपीयू चलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो मैं रैम यहाँ छोड़ देता हूँ और इसको प्लग में लगा के ऑन करके देखेंगे कि अब क्या होता है। और मैं प्लग ऑन कर देता हूँ दोस्तों। और अब मैं सीपीयू में भी पावर दे देता हूँ। आप देख सकते हो सीपीयू में पावर आ गई है दोस्तों। और अब क्या होता है देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें बीप का साउंड आ रहा है। आप देख सकते हो ये यहाँ से बीप का साउंड आ रहा है। दोस्तों आप ऑन सीपीयू में अंदर कभी भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि इससे करंट आने की फुल संभावना होती है दोस्तों। इसलिए आप जब भी अंदर कोई भी इक्विपमेंट को टच करें तो सीपीयू को अच्छी तरह से प्लग आउट कर दीजिए, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्ट करके ही आप उनको डिवाइसेज है उनको टच कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बीप का साउंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इससे आ रहा है बीप का साउंड। देखो थोड़ा दब गया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आ रहा है। और दोस्तों ये सीपीयू बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। और दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस रैम को निकालने के बाद ये सीपीयू ऑन क्यों नहीं हो रहा है और ये रैम ऐसा क्या वर्किंग करती है जिससे ये सीपीयू ऑन हो जाता है। दोस्तों अब हम इस जो पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि सीपीयू तो ऑन होने वाला नहीं है क्योंकि हमने रैम निकाल दिया दोस्तों। स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों।
दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि जब हमने इस रैम को अपने सीपीयू से निकाल दिया था तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था और बीप का साउंड दे रहा था। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये रैम ऐसा क्या करती है जैसे ये सीपीयू ऑन हो जाता है और अच्छी तरह से वर्क करता है। और अगर हमारी सीपीयू में रैम की क्वांटिटी बताते हैं यानी 1 GB से 2 GB 3 GB 4 GB करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कौन सा बेनिफिट देखने को मिलेगा, आज के वीडियो में इस बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको देसी बात बताता हूँ तो ये रैम है ना सीपीयू को गाइडेंस करने का काम करती है, यानी अगर ये रैम होगी तो आपका सीपीयू चल पाएगा, नहीं तो अगर रैम नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा। और ये रैम अगर 1 GB होगी तो सीपीयू थोड़ा स्लो चलेगा और 2 GB होगी तो उससे ज़्यादा फास्ट चलेगा, यानी ये पाथ प्रोवाइड करती है। और अगर मैं आपको इसके बारे में देसी भाषा में बताऊँ, जैसे आपको मान लो कहीं जाना है और आपको कोई गाइड करने वाला हो तो आप आसानी से अपने स्थान पर चल जाओगे, इसी प्रकार से ये रैम भी गाइडेंस करने का काम करती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कंप्यूटर को एक्सेस कराने का काम करती है। जैसे ही हम इस रैम को लगा के हमारे सीपीयू को ऑन करते हैं तो ये हमारे जो इक्विपमेंट है, अलग अलग इक्विपमेंट लगे हुए हैं हमारे सीपीयू में, उनको गाइडेंस करने का काम करती है और वो अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। और जैसे ही हम इस रैम की संख्या को बढ़ाते हैं यानी 1 GB से 2 GB 3 GB करते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप कोई लोडेड गेम चला रहे हो, अगर कोई ऐसा गेम चला रहे हो जो बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपका गेम लैग कर रहा है तो आप रैम की संख्या बढ़ा सकते हो जिससे आप किसी भी स्पीड बढ़ जाएगी। और आप वीडियो कार्ड भी लगा सकते हो, एक वीडियो कार्ड भी आता है गेम के लिए आता है दोस्तों स्पेशल, और वो वीडियो कार्ड लगाने के बाद भी आपके जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो गेम है या बड़ी फाइल है या बड़ा सॉफ्टवेयर है वो लैग नहीं करेगा। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी जब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को खोलते हैं तो उसकी कैच फाइल यानी जो पाथ है वो इसमें स्टोर होता है। और दोस्तों आपने वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में सुना होगा, ये मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी ये परिवर्तनशील होती है। जब हमारा सीपीयू टर्न ऑफ हो जाता है तो इसमें जो भी कैच फाइल स्टोर हुई है वो डिलीट हो जाती है, और जब हम दोबारा सीपीयू ऑन करते हैं तो ये दोबारा कैच फाइल यानी पाथ बनाती है, यानी हम मान लो डी ड्राइव में चले गए हैं तो इसको डी ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए हैं तो वो पाथ इसमें स्टोर हो गया है, और दोबारा हम जब भी डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर जाएंगे तो वो तो फास्टली जाएंगे, और क्योंकि ये पाथ इसमें स्टोर होता है दोस्तों और उसी पाथ को ये फॉलो करते हुए फास्टली वहाँ चली जाती है, एक्सेस टाइम बच जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे हम इसमें रैम की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो कैच फाइल स्टोर करने का पाथ बढ़ जाएगा और हमारा टाइम बहुत कम लगेगा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर गेम चलाते हैं तो बहुत फास्टली हमारा सीपीयू रन करेगा दोस्तों। दोस्तों यही काम करती है ये रैम, हमारे सीपीयू की स्पीड बताती है, और ये रैम अगर न हो तो बीप का साउंड देगा, आपने देखा होगा दोस्तों हमारा जो सीपीयू था रैम निकालने के बाद बीप का साउंड दे रहा था, यानी रैम के बगैर ये कंप्यूटर नहीं चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसको जो कैच फाइल स्टोर होने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, और कैच फाइल स्टोर होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। इसके लिए कम से कम एक रैम तो होनी ही जरूरी है, और अगर आप रैम की संख्या बढ़ाएंगे तो आपका पीसी बहुत फास्टली वर्क करेगा दोस्तों, यही रैम का काम होता है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अभी अनप्लग इन नहीं किया है, मैं इस रैम को दोबारा इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ कि इस रैम को आप किस प्रकार से दोबारा लगा सकते हो। आप रैम को करीब से देख सकते हो दोस्तों, ये इस प्रकार की ये रैम होती है, और ये 2 GB की रैम आप देख सकते हो दोस्तों। और अब हम इस रैम को हमारे सीपीयू में वापस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक कट का निशान होता है, इस कट को देख के यहाँ पे जो ये दे रखा है ये थोड़ा पिन स्लॉट सा दे रखा है, इस स्लॉट को देख के इस कट को देख के लगाइएगा, नहीं तो ये रैम टूट सकती है। मैं लगा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से अच्छी तरह से हमें इसको सेट कर लेना है, और जैसे हम दाब देंगे ये लॉक अपने आप लग जाएगा। दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, तो इधर से भी ये लॉक लग जाएगा अपने आप, और ये अच्छी तरह से सेट कर देते हैं हम इसे। और अब हम सीपीयू को ऑन करके देखते हैं कि अब ये ऑन हो रहा है या नहीं, या अभी बीप का साउंड दे रहा है। मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ,
अब मैं सीपीयू को ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, और देख सकते दोस्तों ये सीपीयू ऑन हो गया है और ये हमारा सीपीयू अच्छी तरह से चलने लगा है दोस्तों, यानी ये रैम अच्छी तरह से वर्क कर रही है और अच्छी तरह से ये रैम इंस्टॉल हो गई है और अब इसमें बीप का साउंड भी नहीं आ रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो ये रैम अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गई है और हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छी तरह से रन हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।